अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। भाई क्या हाल है सब? खैरियत? वुल्वरिन और बैटमैन दोनों में क्या सिमिलरिटीज हैं, क्या डिफरेंसेस हैं, उस टॉपिक के ऊपर बात करने वाला हूं। जिसमें सबसे पहले हमारे पास जो आता है वो ये है कि तुम्हें पता है वुल्वरिन एक म्यूटेंट है जबकि बैटमैन एक इंसान है। वुल्वरिन के पास एडामेंटियम क्लॉज होते हैं जबकि बैटमैन के पास कोई सुपर पावर्स नहीं होती। म्यूटेंट है उसके पास हीलिंग फैक्टर वाली एक एबिलिटी है जिसको वो यूज़ करता है जबकि बैटमैन के पास किसी भी तरह की कोई सुपर पावर नहीं है। वुल्वरिन को राइट करने वाले राइटर का नाम है लियन वेन और आर्टिस्ट जो था वो था जॉन रोमिटा। उन दोनों ने मिलकर इस करेक्टर को बनाया जबकि हमारे पास जो बैटमैन है बैटमैन करेक्टर को लिखा किसने? बिल फिंगर ने। और उसका जो आर्टिस्ट था उसका नाम था बॉब केन। उन दोनों ने के इस करेक्टर को बनाया। वुल्वरिन का असली नाम होता है जेम्स हॉलेट जबकि बैटमैन का असली नाम होता है ब्रूस वेन। तुम्हें पता है वुल्वरिन अक्सर एक्समैन के साथ काम करता हुआ नजर आता है लेकिन हमारे पास जो बैटमैन है गॉथम सिटी में काम करता हुआ नजर आता है। तुम्हें पता है वुल्वरिन का कॉस्ट्यूम येलो और ब्लू कलर का होता है, बैटमैन का कॉस्ट्यूम ब्लैक और ग्रे कलर का होता है। पता है वुल्वरिन अपने क्लॉज का इस्तेमाल करता है जबकि बैटमैन अपने मार्शल आर्ट्स और गैजेट्स को यूज करता है। वुल्वरिन को बाज दफा एक एनिमलिस्टिक नेचर से दिखाया जाता है जबकि हमारे पास जो बैटमैन उसको एक डिटेक्टिव एक जासूस के तरीके से दिखाया गया। तुम्हें पता है वुल्वरिन के पास एक हीलिंग फैक्टर है जबकि बैटमैन के पास कोई सुपर पावर नहीं है। वुल्वरिन अक्सर अपनी म्यूटेंट पावर्स का इस्तेमाल करता है एनिमीज को हराने के लिए जबकि बैटमैन अपने इंटेलेक्चुअल और गैजेट्स का इस्तेमाल करता है अपने विलन्स को हराने के लिए। तुम्हें पता है वुल्वरिन के पास एक मेटल स्केलेटन है जबकि बैटमैन के पास कोई सुपर पावर नहीं है। तो पता है वुल्वरिन को अक्सर एक लोनर के रूप में दिखाया जाता है मतलब कि अकेला जबकि बैटमैन को अक्सर रॉबिन और बैट फैमिली के साथ दिखाया जाता है। तो वुल्वरिन अक्सर कनाडा और वेपन एक्स से जुड़ी हुई कहानियों में जुड़ा रहता है जबकि बैटमैन की कहानी हमें गॉथम सिटी से रिलेटेड देखने को मिलती है, उसी से उसकी कहानियां जुड़ी रहती हैं। वुल्वरिन का कैरेक्टर अक्सर वायलेंट और एग्रेसिव दिखाया जाता है जबकि बैटमैन का कैरेक्टर काम सुकून से रहने वाला तुम कहते हो काम और कलेक्टेड सा दिखाया गया। यही था सब कुछ। तुम्हें कैसा लगा तो मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर बता सकते हो। इस जैसी वीडियोस देखनी है चैनल को मारो सब्सक्राइब। मुझसे पर्सनली मिलना मैं यहाँ मिलूंगा। तब तक देखते रहो मसूद स्पीक्स। अल्लाह हाफिज़।